बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं गरीबाबाद में, और गरीबाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं आज एहतशाम जंजुआ साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है एहतशाम जंजुआ और आज मैं फिर से मौजूद हूँ गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में। आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबर भाई। हमने सोचा कि आज एक वीडियो कोलेबोरेशन में बनाई जाए, तो बाबर भाई को मैंने कहा कि रिक्वेस्ट की मैंने इनसे कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर आएँ, वैसे आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे पास आएँ तो इंशाल्लाह एक आपको रिव्यू करवाते हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ हम सोफ़ा सेट दिखाएंगे आप लोगों को। सोफ़ा सेट दिखाएंगे भाई। इनका तो चैनल ईट वो है एहतशाम जंजुआ के नाम से, मेरा चैनल है ईट एंड डिस्कवर के नाम से। और आज यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये है क्योंकि एहतशाम जो है बेसिकली फर्नीचर को लेके बड़ी बहुत सारी वीडियोज़ को कवर करता रहता है, तो आज हम लोगों का मकसद ये था कि आप लोगों को सोफ़ा यू सोफ़ा सेट जो है यहाँ पे वो कितने चीप प्राइस के अंदर, लो रेंज के अंदर मिल जाते हैं, तो आप लोगों को हम वो दिखाने आए। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। चलो तुम भी बोल के दिखाओ आज, तो फिर आओ मेरे नाल। अच्छा दोस्तों, ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये काफ़ी मशहूर बंदे हैं यहाँ के। इनके पास सारे यूज़ में जितने अच्छे सोफ़े होते हैं ना, एहतशाम भाई ने बोला है कि ये भाई को पकड़ो, तो ये बताएंगे कि कितने के सोफ़े मिलते हैं। भाई कैसे, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। मैं पकड़ रहा हूँ माइक आपके लिए, क्यों बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। ये अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को जो फाइव सीटर में सबसे जो अच्छे सोफ़े, वैसे तो मिलने को तो 8,000 के ही मिल जाएंगे आपको, 10,000 के मिलेंगे, थोड़े से मुनासिब सोफ़े जो कि ऐसा हो जो घर लेके जाएं तो आपको लगे नहीं कि यार ये बिल्कुल ही आपको फारिग ही कुछ उठा के ले आएँ। तो भाई ये बताएं, जो पीछे हमारे हैं सोफ़े, इनका बताएं रेट। फाइव सीटर है, बताने वाले रेट हैं इसका 21 फाइनल जो हम लोग करते हैं इसको 15,000 में, 15,000। अच्छा भाई, बताने वाले रेट भाई कह रहे हैं कि कस्टमर आता है तो हम 21 बताते हैं, लेकिन 15,000 में हम फाइनल दे देते हैं फाइव सीटर्स। तो ये जो हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं जस्ट लाइक न्यू होते हैं? जी बिल्कुल, जकार्ड कपड़ा चढ़ा हुआ है इस पर। अच्छा, फ्रेम पुराना है इसका, कुशन सारा नया हुआ हुआ है। कुशन सारा नया कर दिया आपने। तो ये कितने सीजन निकाल लेते हैं इसके अंदर? 3-4 साल चलते हैं जी, आराम से। आराम से, और कोई फॉर्म में मसला हो जाए कारीगर जाता है हमारा, फ्री सर्विस है। फ्री सर्विस जी, कोई चार्जेस नहीं? कोई चार्जेस। स्प्रिंग बैठ गया, स्प्रिंग में, फॉर्म में, फ्रेम में, कोई भी मसला हो फ्री सर्विस। फ्री सर्विस जी। ये अच्छा सही हो गया, आगे बढ़ते हैं, आप साथ आते जाएं। ये 7 सीटर है, हवा बहुत चल रही है भाई, और मेरे बाल तो वैसे ही टिकते नहीं है, तो ये बुरा हाल हो गया है। तो ये बताएं ये क्या सीन है? 7 सीटर है, 25 का, ये 25,000 का 7 सीटर, दीवान सिटी के साथ ये। अच्छा, तो इसके फाइनल पैसे क्या है? फाइनल 21। फाइनल जी 21। अच्छा, एक मुझे पसंद आया उसके रेट बताएं भाई आप। एहतशाम साहब आप क्या बोलेंगे, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? मैं बोलूँगा सर। आप बोलेंगे, अभी बोलें आप। अच्छा। आपको ये, आपको सोफ़ा कौन सा पसंद आ रहा है? मुझे भी यही सोफ़ा पसंद है, ये ना बिल्कुल एक ब्राउन कलर में। हाँ, ये ब्राउन कलर का, थोड़ा देखें, डबल सिलाई के साथ है, और ये बैक कुशन के साथ, और ये रैगजीन जरा अच्छा वाला है थोड़ा। अच्छा, इसमें मतलब ये भी होता है कि ये कैसे पता चलता है कि कुछ लोगों को सिर्फ देखें जैसे शक्ल में ये खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कम्फर्टेबल कौन सा कितना है ये कैसे पता चलेगा लोगों को? बैठने से पता चल जाता है सर। अच्छा, बैठ के पता चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप क्या समझते हैं इन सब में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सोफा कौन सा? सोफा ये रखा हुआ, एक सोफा वो रखा हुआ, ये कंफर्टेबल होगा आपकी नज़र में? अच्छा भाई, ये है भाई कह रहे हैं, बैठ के दिखाएं आप। बैठ के दिखा रहे हैं, ठीक है। एक देखें, वो मेहमान आते हैं ना घर में आपको, जिनको जल्दी कटाना होता है कि भाई ये फ़ौरन बस आएँ और फ़ौरन ही चले जाएँ, तो उनके लिए तो आप ऐसा सोफ़ा लें कि जो ज़्यादा देर ना बैठे चले जाएँ। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं ना, उन्होंने सख्त कुर्सियाँ रखी होती हैं, तो इसी तरह से ये खैर एक अच्छा ऑप्शन है। 7 सीटर भाई कह रहे हैं कि 21,000 रुपये का, लेकिन यार ये 21,000 में मेरे ख्याल में कोई बुरी डील नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह एक शॉप और है, वो एहतशाम भाई हमें वहाँ भी लेके चल रहे हैं। एहतशाम भाई कहाँ लेके जाएंगे अब नीचे? इसके बाद इन्हीं की दूसरी शॉप है कल्लू। अच्छा, भाई की। अच्छा, कल्लू के नाम से यहाँ पे मशहूर कल्लू। हाँ, यहाँ पर होते हैं आबिद भाई, वहाँ पे होते हैं आसिफ भाई। अच्छा, अब हम वहाँ पे चलेंगे। सही है भाई। भाई इनके सारे नंबर्स आपको एहतशाम भाई भी अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और मैं भी अपनी डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर दे दूँगा जिसको भी चाहिए। यहाँ भी हैं, ये पीछे भी हैं, आप देख सकते हैं। देखें ये कि एक मॉडल ये रखा हुआ है, एक मॉडल ये भी रखा हुआ है, ये भी 7 सीटर है, ठीक है। एक मॉडल ये पीछे भी रखा हुआ है, सही है, ठीक है जी। एक मॉडल यहाँ भी रखा हुआ है, ये भी 7 सीटर है, ये भी 7 सीटर है, वो भी 7 सीटर है। तो ये इनके पास बहुत वैरायटीज़ हैं, और माशाल्लाह से अच्छा है। एक पीछे वो रखा हुआ, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो देखें पीछे, वो भी अच्छा लग रहा है, पीछे बेहतरीन लग रहा है ये। और ब्राउन वाला भी अच्छा है, ब्राउन वाला भी अच्छा है। तो एहतशाम भाई जी, बाबर भाई आओ फिर मेरे नाल, फिर ये चलें और वहाँ चल के अपडेट करते हैं। तो एहतशाम भाई हमें ये थोड़ा सा हम दूसरी शॉप पे आ गए हैं कि आपको और सस्ते सोफ़े दिखा सकें। तो एहतशाम भाई ज़रा अब आप भाई से पूछें और बताएं कि ये सोफ़े कितने के हैं, और कम से कम जो है
चीपेस्ट रेट क्या है यहाँ पे मार्केट में? ठीक है अच्छा, तो आसिफ भाई मुझे आप बताएं कि इस सोफे की क्या प्राइस है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ हुआ है? श्याम भाई ये पुराना फ्रेम आया था हमारे पास, ठीक है, इसको हमने पूरा काम इस पे नया कर दिया है ना, ठीक है। ये 5 सीटर में है, ठीक है, इस पे कपड़ा रेगजीन वगैरह नया चढ़ा दिया है, तो ये फाइनल प्राइस आपके लिए 11,000 रुपए हो जाएंगे और मुनासिब हो जाएंगे अगर कोई रापता करता है। नहीं इत्तेशाम भाई आपके लिए, वैसे इसके मार्केट में क्या रेट चला रहे हैं आप लोग? इसके मार्केट के रेट है 13,500-14,000 रुपए, लेकिन आपके रेफरेंस से 11,000 फाइनल जी फाइनल। अच्छा ठीक है चले यार, उसके अलावा एक और ये सोफा रखा हुआ है, ये जो रखा हुआ है ये सोफा जी, ये वाला सोफा ये 5 सीटर है ये भी। अच्छा ये कितने का? ये भी 11,000 का इत्तेशाम भाई, 11,000 रुपए है। अच्छा अब आप यहीं से चलते चलते आ जाए, अंदर चलते हैं, अंदर भी कुछ वैरायटी रखी हुई है, ये भी हमें दिखा दें बाहर आसिफ। ये 7 सीटर है श्याम भाई, देखें ये पीछे 3 सीटर है, सही है, ये 2 सिंगल है, सिंगल है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है श्याम भाई। ये फाइनल प्राइस जो है बताने वाले 24 हैं, कस्टमर को आपके रेफरेंस से 20 और फाइनल अगर आपका ज़्यादा रेफरेंस करता है तो 19,000 सेवन सीटर जी हाँ। इस पे क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ 7 सीटर जेन्युइन भी आते हैं घरों से, सही है, उसको हम क्या करते हैं, कोई सिलाई निकली हुई है, अच्छा, कोई बटन्स निकला हुआ है, सही है, तो उसको बटन्स वगैरह लगा के सिलाई वगैरह करके जेन्युइन हालत में उसको हम जेन्युइन के बेचते हैं, कोई गारंटी नहीं देते, ये जेन्युइन है, जेन्युइन हालत में देते हैं, सही है, बैठ के देखें इस पर छोटा मोटा जो काम होता है कर देते हैं वो भी हम, कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि ये नया कह सकते हैं लेकिन झूठ हो जाएगी बात इत्तेशाम भाई, क्योंकि आपके रेफरेंस से यहाँ बहुत कस्टमर आते हैं मेरे पास, कहते श्याम भाई के रेफरेंस से आए भाई कोई अच्छी चीज़ दिखाओ, इसी में ये है। अच्छा एक ये आया हुआ 8 सीटर है, ये बहुत कम आता है जी हाँ, ये देखो ऊपर ये 3 है, सही है, 2 सिंगल है, 2 सिंगल, एक इसके नीचे ही 3 है, जी नीचे भी 3 और ये 2-1, ये ऑर्डर का बना हुआ पीस है, ये रेगजीन में इत्तेशाम भाई, इस पे पूरा यूज में नया नहीं है, कितना यूज हुआ होगा इत्तेशाम भाई? तकरीबन मेरे हिसाब से देखो कस्टमर तो बोल रहा है 1 महीना, मेरे हिसाब से तकरीबन 2-2.5 महीने यूज हुआ है, ये अगर नया लेने जाए इस टाइम तकरीबन मेरे हिसाब से 48,000-50,000 रुपए का है। आप कितने का सेल? मेरे पास इसकी रीसेल फाइनल प्राइस है 38,000 रुपए का, मैं इसको नया कह सकता हूँ, आप बताएं देखें कहाँ से ये पुराना लग रहा है मुझे, आप बताएं इत्तेशाम भाई। फोम वगैरह कौन सा यूज हुआ है? फोम इत्तेशाम भाई पुराने में मोल्टी होती है या डायमंड होती है? अच्छा हम गारंटी नहीं देते, ठीक है, हमारी गारंटी की ये होती है इन केस अल्लाह ना करे इत्तेशाम भाई बाबर भाई अगर ये बैठ जाता है, कोई कंप्लेन आ जाती है, कंप्लेन की सूरत में कस्टमर का नुमाइंदा हमारे इधर आए शॉप पे, हम उसको कारीगर अरेंज करके देंगे, 500 रुपए लेता पर सीट सेट करने के, घर पे ही सेट कर देता है, फिर वो हमारे कारीगर को छोड़ दीजिए तो सही हो जाएगा इत्तेशाम। ये 8 है इत्तेशाम भाई, ये एक जेन्युइन आया हुआ 7 सीटर है ये जी, ये जेन्युइन है, बैठ के दिखाएं इत्तेशाम साहब, आप खाता हूँ मैं सर, ये भी अच्छा है सर, अच्छा बिल्कुल अच्छा। इसकी क्या प्राइस है? ये प्राइस 28-32 बताने वाले हैं आपके लिए, 25,000 7 सीटर। इस पे जो लेदर लाइट लगी हुई है ये शेडेड है, ठीक है, शेड मारती है ये, सही है, ये देखिए आप इस पे सिलाई हुई है, मशीन की सिलाई है, ठीक है। फाइनल क्या बताया आपने? 25,000 फाइनल। अच्छा एक ये आया जेन्युइन हालत में, सही है, ये हम 18 का भी दे देंगे लेकिन मार्केट में 20-25 से कम नहीं मिलेगा, ये भी रेगजीन में बना हुआ है, रेगजीन प्लस कपड़ा है इत्तेशाम भाई, ठीक है, सही हो गया, बेहतरीन हो गया। तो अभी जैसे ईद आ रही है तो ईद के अंदर आपकी ये रिक्वायरमेंट डिमांड बढ़ती है? नहीं नहीं हमारी कोई नहीं बढ़ती, अगर पीछे से रेगजीन पे पैसे बढ़ते हैं या कपड़े पे पैसे बढ़ते हैं तो हम कस्टमर को बता देते हैं कि इस पे 1,000 से 1,500 का डिफरेंस, खरीदारी की बात कर रहा हूं, खरीदारी में ये होता है ईद जब आती है तो 1,500 का जो फर्क आता है कस्टमर भी सोचता है, ये बात दे देता है कस्टमर हमें, लोग ज़्यादा खरीदने के लिए आते हैं, तो हम उनको डिलीवरी करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि देखो भाई हमने महंगा फ्रेम खरीदा है तो आप हमसे 1,000-1,500 महंगा लें, तो कस्टमर हमारी रखते हैं बात। ये आपके पास है फुल ब्राउन कलर 7 सीटर है ये भी, ये इसकी क्या प्राइस है? इसके प्राइस वही है 27-28 बताने वाले, फाइनल 23,000 रुपये, 23,000 रुपये 23। अच्छा 7 सीटर, ठीक है। अच्छा ऐसे भाई इसके अलावा काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि वीडियो में आप रेट कम बताते हैं, जब लेने के लिए जाते हैं तो रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। वीडियो में देखें सबसे पहले हमने कौन सा देखा, 11,000 वाला, सही है, कस्टमर आके 11,000 वाला देख ही नहीं रहा है, वो आके डायरेक्टली 27 और 25 वाला देख रहा है, तो उसको हम ये बोलते हैं चलो भाई आप YouTube सर्च कर लो, ओके कर लो, जो डिज़ाइन हमने 11 का बताया अगर वो हम आपको 12 का दें तो हम फिर मुजरी में, कैमरा सीधा बिल्कुल सीधा, ठीक है। अच्छा तो ये अच्छा दूसरा ये जो टेबल रखे हुए हैं इनका क्या सीन? ये पुरानी टेबल आई हुई है मेरे पास, ये क्या हिसाब है? ये मार्केट में आप 4.5-5 की मिलेगी, इसका
मेरे पास ये 3500 रुपये की है। 3500 रुपये ये 6500 रुपये की है। ब्लैक शीशा है इसमें 10 mm का। ये हम एहतिशाम भाई के थ्रू दोबारा बता सकता हूँ 6000 रुपये की पड़ेगी। 6000 रुपये जी। स्लाइटली यूज जी, टेम्पर्ड गिलास है ये। सही हो गया। तो एहतिशाम भाई, ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा एहतिशाम भाई के साथ यहाँ पे। ये सोफ़ों का आप यहाँ पर लेकर आए भाई के पास, तो और अपना नंबर आप बताइए ज़रा। मेरा नंबर है 03410341 3901515 3939। आसिफ मेरा नाम है। आसिफ, और मैं अगर आप इजाज़त दें तो बोर्ड की तस्वीर लेके दूँ आपको। बोर्ड, हाँ लें, बोर्ड घूम जाऊँ ऐसी। घूम जाए, बिल्कुल घूम जाए। ये है आपका बोर्ड, कल्लू सोफ़ा सेंटर। कल्लू सोफ़ा सेंटर, ठीक है जी। शॉप नंबर 13 है। शॉप नंबर 13 बलोच मस्जिद वाली गली। सही है, ठीक हो गया। तो ये एक जो भी बंदा आए भाई, भाई से कांटेक्ट कर ले। तो टाइमिंग वगैरह क्या है आपकी? मेरी टाइमिंग सुबह 11:30 बजे आ जाते हैं भाई। सही है, 8:30 बजे ऑफ है। 8:30 बजे ऑफ है और कस्टमर होता है तो 9:30 की बजे को छुट्टी है। जुम्मे कोई छुट्टी है, जुम्मे की छुट्टी ऑफ होता है। जुम्मे की छुट्टी होती है, बाकी दिन खुलते हैं। खुलते हैं। तो दोस्तों ये था भाई आपको सोफे के हवाले से। वैसे तो काफ़ी सारी जगह है लेकिन हम आपको वहाँ डायरेक्ट लेकर आए हैं एहतिशाम भाई को, क्योंकि पता है यहाँ पे नॉर्मली वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये वो जगह थी कि जहाँ पे आपको मुनासिब पैसों में आपको अच्छे सोफ़े मिल सकते हैं। तो एहतिशाम भाई बहुत शुक्रिया, आप खुद भी वीडियो में आ गए। बड़ी मुश्किल से लड़का आता है वीडियो में, आता नहीं है अपनी। तो मैंने कहा यार ये ज़रा कम सामने आओ, ज़रा लोग देखें भी कि एहतिशाम जो है उसकी शक्ल कैसी है ज़रा। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग एक साथ मिलके भी एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, वो सारा मोबाइल रिव्यू के हिसाब से होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा, वो सिर्फ टोटली मोबाइल रिव्यू को लेके होगा। तो मोबाइल रिव्यू की वीडियो आती जाएंगी, तो वो हमने कहा यार हर चीज़ एक ही चैनल में डालना वो मुनासिब नहीं हो रहा था। अब ज़रा चैनल ज़रा फैलाएँ ज़रा, ताकि आप लोगों को सेक्शन वाइज देख सकें कि जैसे फर्नीचर को कवर कर रहे हैं, मेरा ईट एंड डिस्कवर है तो मैं उसके अंदर अपना फूड भी है, ट्रैवलिंग भी है, और चीज़ें भी हैं, मार्केट्स भी हैं। तो इंशाल्लाह आप चीज़ों को और बेहतर करते जाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट बस चाहिए होगी, तो यहाँ पे आइए, ईद का टाइम करीब है, सोफ़े ख़रीदें और बताइए कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई का अखलाकी माशाल्लाह अच्छा है, पहले ही मुलाकात रही है भाई से। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है, बाकी एहतिशाम आपको अल्लाह हाफिज़ करता है। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बाबर भाई का चैनल है ईट एंड डिस्कवर, भाई को भी सपोर्ट करें और इनको भी चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।